कल हमने थीसिस प्रमेय का ब्लूम पढ़ा था और एक क्वेश्चन का था, आज भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रमेय ऐसे ही होते हैं जैसे प्रमेय कर रहे हो, तो चीज़ों को याद करते रहना बार बार, क्या सन ने ये बताया था, ये ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपको ये एक त्रिभुज बना, ठीक है, अब यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर क्या है, एक रेखा है। अब ये रेखा समांतर है कि नहीं बताओ, अब वही तो दिक्कत देखने में लग रही, नहीं लग रही मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे अपन ये भी बना सकते हैं अनुकृति, त्रिभुज तो त्रिभुज, फिर तो और अपन को दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब देखिए क्या ये समांतर है, अब तो वही तो दिक्कत है ना। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि देखो इसका नाम मान लीजिए ए बी सी है, क्या है, रेखा समांतर है कि नहीं, इसका तरीका क्या है पता करने, वही तो थ्योरी में का प्रॉब्लम बताता है। थ्योरी में बताता है कि रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और ब्लूम बताता है कि अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर। तो जब कभी आपको लगे कि यार दिखने में रेखा समांतर है कि नहीं है, तो दिख आँखों को इतना पता होता तो ज्योमेट्री बनती क्यों, नाप तोल करते ही क्यों, है कि नहीं, वो ले लो एक किलो ले लो, समझ गए। तो ऐसे में वैशाली हमें पता करना चाहिए स्केल से ए डी और डी बी। मान लेते हैं कि ए डी चार है और डी बी तीन, तो ये आ गया चार बटे तीन, फिर हमें स्केल से क्या नापना चाहिए, ठीक। मान लीजिए ये आठ है और ये छः, अब हम अनुपात निकालते हैं ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी चार बटे तीन, इसका नाम देखो नाम रखना भूल गए, ए ई बटे बराबर आठ बटे छः चार बटे, ये अनुपात क्या है बराबर। अब पक्का कह सकते कि डी ई बी सी के समांतर नहीं आया समांतर। तो ये थे इस प्रमेय का ब्लूम हमें बताता है कि जो आपका अगर अनुपात बराबर आ गया, क्या बराबर आ गया, तो ये वाली बोल क्या हो जाएगी, समांतर। ये कौन बताता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या बताता है कि समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और ब्लूम क्या बताता है, है तो समांतर होगी। तो नॉर्मली जब अपन कोई चित्र देखते हैं और अपन को नहीं समझ में आता कि रेखा समांतर है कि नहीं, सुन रहे हो बेटा, अगर जब हम कोई चित्र देखते हैं तो रेखा समांतर है कि नहीं, अगर हमें समझ में नहीं आ देखने से, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, अनुपात। अगर अनुपात बराबर आ गया तो रेखा समांतर हो जाएगी। तो अब बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सोचते हो कि सवाल क्यों नहीं कराते, सवाल वाल करने से कुछ नहीं हो, जब तक आप थिंकिंग को नहीं समझ पाए तक सवाल करने से कुछ नहीं होना, बिल्कुल जीरो गेन होना है। तो यहाँ पर अपने पास एक त्रिभुज है अनुकृति ए बी सी, ठीक है, सब भुजा होती है, सब भुजा नाप सकते, मान लीजिए भुजा चार है तो इसके बीच में जरूर एक बिंदु होगा जो इसका क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु, क्या कहलाएगा, तो जैसे अपने पास मान लीजिए भुजा है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब अभिराज के ए डी बराबर डी बी, समझ पाए मेरी बात को, मध्य बिंदु क्या होता है, जो दो समान भागों में विभाजित करे तो ए डी और डी बी क्या हो जाएंगे बराबर। वैसे ही भुजा ए सी का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा निश्चित ही, मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है ई, तो बात नहीं करेंगे, भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है, ये कोई सवाल नहीं, कोई प्रमेय नहीं, मैं तो सबको चर्चा कर रहा हूँ, देखें क्या क्या जीवन में सीखे हम। तो अगर ये मध्य बिंदु है वैशाली, तो ए ई बराबर ई सी, निश्चित ही मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि दो समान भाव विभाजित करें, बीच का बिंदु मतलब ये और ये क्या होंगे बराबर, तो ये दो, ये चार थी तो ये दो होगा और ये दो, और अगर ये पाँच है तो ये ढाई हुआ और ये ढाई। अब सर क्या कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दो, क्या कर दो, तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समान। ऐसे कैसे दिखने में लग रही है, नहीं भी नहीं रही, लेकिन आप घर पे जाके स्केल से नाप के जरूर बनाइएगा, तभी तो मजा है जिंदगी में ना, कोई मजा नहीं, जो प्रमेय है उसको, प्रमेय नहीं उसको चेक करो, ऐसे कैसे, कोई भी त्रिभुज बना लो, मध्य बिंदु स्केल से बना ही लोगे और दोनों को मिला लो, देख लो तीसरी भुजा के समांतर है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि समांतर है, क्यों कह रहा हूँ, देखो ये समझ में आया, इस डी बी को बटे में ले आइए, ए डी बटे डी बी बराबर, समझ गए, इसको यहाँ बटे में ले आइए, ए बटे ए सी बराबर, सही है,
अब इसका मान भी एक है और इसका मान भी एक है, तो समीकरण एक व दो से AD बटे DB बराबर AE बटे EC अनुपात तो क्या आ गया बराबर। और अगर अनुपात बराबर है अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम कहता है कि अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर है और प्रमेय कहता है कि रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर है, तो चूंकि अनुपात बराबर हो गया इससे रेखा, इसलिए DE समांतर BC। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या सीखे हम आज? हम ये सीखे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्यों होती है आप समझिएगा कि जब वो मध्य बिंदु होता है तो अपने आप अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर मतलब समांतर। समझ गए? यही हमारा आज का क्वेश्चन है, सिद्ध करो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर। ठीक है, देखिए बच्चों अगला सवाल जो मैंने अभी आपको लिखवाया है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि अपन को सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाएगी जो दूसरी भुजा के क्या रहेगी समान, और सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा को क्या करती है समद्विभाजक। अब इसको सरल शब्दों में समझिए, ये समझिए कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी, और डी से हमने खींची एक लाइन और वो लाइन बी सी क्या है समांतर, वो लाइन BC के समांतर है, मतलब समांतर है मतलब दिया है मतलब थेस पे में लगेगा, और अपन को सिद्ध करना है कि वो लाइन जो है वो दूसरी भुजा को कहाँ काट रही E पर, क्या करती है समद्विभाजित करती है, मतलब ये E जो है ये इन दोनों का क्या है AC का क्या है मध्य बिंदु। उल्टा सवाल है, नहीं आया समझ में क्या बोला, समझ गया? एक बार फिर समझिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से रेखा खींचनी है, कैसी खींचनी है कि वो दूसरी भुजा के क्या हो समान और तीसरी भुजा को क्या करे समान, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ए ई और ई सी क्या है बराबर। याद रखिए ई मध्य बिंदु है कि नहीं हमें पता नहीं। तो सबसे पहले माना कि डी जो है वो ए बी का क्या है, तो भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है इसलिए ए डी बराबर डी बी, ठीक है, और ए डी बटे डी बी बराबर ए, कोई दिक्कत? अब बच्चों यहाँ पर वैशाली ध्यान देंगे बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये अपने पास, ये अपने पास AD है, क्या है AD है और कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है। अपन ने क्या किया सॉरी हाँ तो अपन ने क्या किया बच्चों कि एक त्रिभुज ले लिया ABC, उसमें एक बिंदु ले लिया D, और D जो है वो AB का क्या है मध्य बिंदु, तो AD बराबर क्या हो गया DB, तो AD बाई DB बराबर क्या हो गया A। अब हम बिंदु D से एक रेखा खींचेंगे किसके समांतर, तो बिंदु डी से एक रेखा, अब रेखा खींच लेते हैं अपन, ये अपन ने खींच ली बेटा और इस यहाँ प्रतिच्छेद करेगी तो इस रेखा का नाम अपन रख ले रहे हैं डी। बिंदु डी से एक रेखा डी ई बी सी, सॉरी बिंदु डी से नहीं, गलत नहीं हो गया, लिख तो कैसे भी सकते हैं आप, रटू तो कभी नहीं बना करो, आपको जो लिखना है बस वो लिख दें आप, आगे भी चलता है। बिंदु डी से भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची, खींच लिया अपन ने, दिख रही सबको, तो चूंकि DE समांतर क्या दिया है BC, और थेल्स प्रमेय क्या कहता गया समांतर है तो अनुपात क्या होगा बराबर, समांतर है तो अनुपात क्या होगा बराबर, और विलोम क्या कहता है कि अनुपात बराबर है तो समान, तो यहाँ पे समांतर है उन्होंने बोला कि तो डी समांतर बी सी, थेस में लगेगा तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब ए डी बटे डी बी तो वैशाली एक है तो अपन यहाँ एक लिख देंगे, समझ गए? तो यहाँ से बेटा ई सी बराबर ए ई, तो अगर ई सी और ए ई बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, हेंस
समझ गए, होगा की जगह है लिख लो, आता सरल है एकदम।